देश के तमाम राज्य संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कोरोना को लेकर पक्ष और विपक्ष में लेटर वार जारी है। संक्रमण की दूसरी लहर से देश बिगड़ती हालातों को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। वैक्सीन से लेकर ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी को लेकर कांग्रेस अलग अलग मौके पर अपने असंतोष को जाहिर कर चुकी है। सोमवार को कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने देश की मौजूदा स्थिति के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कड़ी आलोचना की थी, जिसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष को पत्र लिखकर बराबरी से जवाब दिया। बीजेपी प्रेसिडेंट ने अपने इस पत्र में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के साथ कांग्रेस की जमकर आलोचना की। कांग्रेस की तरफ से की जा रही बयानबाजी पर दुख जताते हुए उन्होंने लिखा कि कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता नकारात्मकता फैलाने में लगे हुए हैं। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस लोगों में भ्रम का वातावरण बना रही है। वैक्सीन की जिम्मेदार राज्यों पर छोड़ने को लेकर जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों और पार्टी में भारी कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स ने ही वैक्सीन को डिसेंट्रलाइज करने की मांग रखी थी। जेपी नड्डा ने अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेस की तीखी आलोचना करते हुए कांग्रेस पर घटिया स्तर की राजनीति करने का आरोप लगाया। हालांकि देश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फिर से पूरा ठीकरा कांग्रेस के 70 सालों के कार्यकाल पर फोड़ दिया।